कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं इस तरीके से कि उस पे एक ऊर्जा का प्रभाव डाला जाता है, एक एनर्जी का प्रभाव डाला जाता है, और किसी क्षेत्र में अगर वो बनती हैं तो उसमें अपने आप ही उस ऊर्जा का प्रभाव डालता है और वो उस ऑर्गन को इंपैक्ट करती है। ऑफकोर्स उसके साथ में कुछ हम जड़ियां या फिर जो कि सपोज कीजिए आंखें हैं तो आंखों से रिलेटेड कुछ चीजें हम उसमें डालते हैं, लेकिन उसका सबसे मेजर पार्ट क्या है, वो जड़ी बूटी नहीं है, सबसे मेजर पार्ट है उस ऊर्जा का प्रभाव। आपकी आंखें जब बनी होंगी तो एक तरीके की एनर्जी उसको चाहिए होगी ना, मां के गर्भ में वो ऊर्जा मिली होगी जिसकी वजह से वो बन पाए। वो क्षेत्र है मां का गर्भ जिसमें कि ऑर्गन्स बनते हैं और उसमें अलग अलग शक्तियां काम करती है। तो ब्रह्मांड जो कुछ भी जानता है वो एक मां के गर्भ में फलित होता है। पूरा ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू क्रिएट अ स्मॉल लाइफ। तो ये आई ड्रॉप वैसा ही है, इसमें मेजर पार्ट जो है वो एक ऊर्जा का प्रभाव है और इसमें कुछ जड़ी बूटियां जो आंखों से रिलेटेड हैं वो डली हुई हैं। वो जड़ी बूटियां भी एक समय नक्षत्र काल को देखते हुए उसको निकाला गया, यूज किया गया। तो ये अभी भी बहुत ऑथेंटिक तरीके से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल है, पर सबसे मेजर पार्ट है उस ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव। तो इसको मैंने, आप अगर यूज करेंगे, अगर आप एक एक ड्रॉप दोनों आंखों में डालें तो इसके बाद ही थोड़े समय बाद आपको लगेगा जैसे कि कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो जब हम कहते हैं दृष्टि, जब हम कहते हैं दृष्टि, तो ये एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा की कमी होगी तो दृष्टि में की क्षीणता आएगी, उसमें कमी आती है। तो क्या आप इस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये आई ड्रॉप वही काम करता है। देखिए, हम लोग आगे चल के और भी एक और भी बहुत अच्छे लेवल पे इन चीजों को एक्सप्लोर करके डेवलप करेंगे। अगर उस ऊर्जा को किसी हमारे शरीर के अंदर बढ़ाना, ये केवल और केवल क्षेत्र में जाके भी हो सकता, ऐसी जरूरी नहीं कि जड़ी बूटियों की जरूरत पड़े, जड़ी बूटियों को भी जरूरत नहीं, किसी एक जगह पे आप चले जाइए और आपके ऑर्गन्स रिवाइव हो सकते हैं। एक एक लेवल तक रिवाइवल प्रोसेस चालू हो जाएगा, मगर आपको काम करना पड़ेगा उसका। भाई, कुम्हार की चाप चालू हो जाएगी तो, पर काम तो कुम्हार को करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारी चाकी उल्टी चल रही है, ऑर्गन खराब होते जा रहे हैं, जब उसको सीधा भी कर देंगे तो भी थोड़ा काम करेंगे तो एकदम से रिवाइवल हो जाएगा। और ये मैजिकल तरीके से काम कर सकता है। तो आप देखेंगे कि एकदम फ्रेश दिखना कैसे चालू हो गया। ये क्या जड़ी बूटी का, नहीं, जड़ी बूटी का कमाल नहीं है, जड़ी बूटी का कमाल नहीं है, ये उस एनर्जी का, ऊर्जा का कमाल है, दृष्टि की ऊर्जा का कमाल है। आपकी दृष्टि की ऊर्जा थोड़ी डलती है तो आपको अचानक से उसमें बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे पास में ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट इवन जानवरों के आंखों को रिवाइव किया गया है इससे, मैंने अपने घर में ही किया। गुरु जी, हट भी जाता है इससे चश्मा? इसमें चश्मा हट जाता है अगर, लेकिन वो कितना, हाँ, वो पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। और कितने समय में? समय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मंडल मिनिमम होता 40 दिन। लेकिन कुछ लोगों के देखे गए हैं, उम्र दराज लोगों के भी चश्मे हट गए थे, मगर उनकी पावर ज्यादा थी नहीं, ये मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, और 60-65 की उम्र के लोगों के भी चश्मे निकल। तो डिपेंड करता है कि कितना डिटेरियोरेशन है, और जिनकी ज्यादा पावर और जिन
जिनकी ज्यादा पावर है ना, उनकी आंखें खराब होने का भी डर होता है आगे चल के, वो रुक जाएगा, पावर कम हो सकती है, थोड़ा लंबे समय तक इस्तेमाल करें, इसको हमेशा पूरी जिंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। एक एक ड्रॉप ही तो डालना है रोज के रोज, अगर किसी को ज्यादा जैसे चश्मा निकालना है तो 2 बार कर लें, एक एक ड्रॉप सुबह शाम, अगर कोई और प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा ठीक हो सकता है इससे, आंखों की और प्रॉब्लम, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रेटिना रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है। रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज है, अभी हमने एक पार्टिसिपेंट का वीडियो शालिनी ने लिया है बाय द नेम ऑफ मिलन, तो उनका ऑप्थेमोलॉजी माइग्रेन है, तो कैन वी सजेस्ट हिम द आई यस ड्रॉप? ऑफ कोर्स, वो आई प्रेशर की बात बारे में बात हुई। ऑप्थोमोलॉजिक माइग्रेन क्या होता है, प्रेशर वेरी करता है, एक आंख में ज्यादा एक आंख में कम हो गया तो उस अच्छा, हिसाब से सिर में दर्द फील होता तो उसके लिए हेल्प करेगा। है, बिल्कुल आई प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मगर आई प्रेशर के को मेंटेन करने के लिए एक और चीज, अरिस्ट भी साथ में ले और भी अच्छा है। अच्छा, शालिनी प्लीज कन्वे दैट टू मिलन सर। स्वामी जी, ओके, व्हाट अबाउट द कैटरैक्ट? इनको कैटरैक्ट कैटरेक्ट इनिशियल स्टेजेस में कैटरेक्ट को भी ये हैंडल कर लेगा, और कैटरेक्ट को डिले कर सकता है ये, मतलब जिन लोग की बहुत ज्यादा टेंडेंसीज है, या फिर ऐसा देखा गया है कि उनको कैटरेक्ट उस खानदान में बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनके कैटरेक्ट होने में डिले भी करेगा, इनिशियल स्टेजेस में ये रिवर्स भी कर सकता है। हो गया बहुत ज्यादा तो उसको निकाल लीजिए, बाद में चल के प्रॉब्लम ना आए उसके लिए यूज कर सकते हैं।